हाय गाइस दोस्तों, क्या आपके साथ भी फ्री फायर में पिंग प्रॉब्लम आ रहा है? यानी कि दोस्तों आपका फ्री फायर का जो पिंग है बहुत हाई हो जा रहा है। इसके वजह से दोस्तों जो गेम है ऑटो कट हो जा रही है, या फिर दोस्तों जो गेम है लैग कर रही है, या हो सकता है कि जो आपका स्क्रीन है ब्लैक हो जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपके साथ इनमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद 100% दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं ना, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका पिंग प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों ये प्रॉब्लम आता क्यों है, यानी कि फ्री फायर में पिंग प्रॉब्लम आता क्यों है और इसका सोल्यूशन क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताने वाला हूं। दोस्तों उससे पहले आपसे बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिस्टेक हम लोग करते हैं, जिसके वजह से जो हमारा पिंग काफी हद तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों मिस्टेक क्या है मैं बताऊंगा। उससे पहले आपसे बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने फ्री फायर ऐप को ओपन करते हैं और जब गेम को प्ले करते हैं ना, तो दोस्तों 2-3 मिनट बाद या फिर शुरुआत में ही हमारा गेम लैग होने लगता है या फिर ऑटो कट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें हमको करना क्या है, वही सेटिंग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों नंबर 1 सेटिंग जान लेते हैं। दोस्तों बता दूं, यहां पे आप अपने मोबाइल डेटा को यूज करते हैं या फिर दोस्तों वाईफाई के यूजर है ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं दोनों लोगों को तरीका बताऊंगा। अगर आप मोबाइल डेटा को यूज करते हैं या फिर आप वाईफाई को यूज करते हैं, तो जो मैं टिप्स और बताऊंगा सिंपली आपको ही फॉलो करना है, उसी को यूज करना है। तो चलिए दोस्तों टिप्स नंबर 1 समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपका कोई भी मोबाइल फोन होगा ना, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको जाना अपने सेटिंग में। और दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है डेटा यूसेज, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली सर्च करना है डेटा यूसेज। अब जैसे यहाँ पे डेटा यूसेज सर्च करेंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पे एक यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना होगा। अब इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल फोन में जितनी भी ऐप होंगी ना, सभी आ जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे जितनी भी मेरे मोबाइल फोन में ऐप है, यहाँ पे सभी आ गई है। अब आपको आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पे बता दूं, जैसे मेरा इंस्टाग्राम है, YT स्टूडियो, व्हाट्सएप है, तो इसी प्रकार से आपके मोबाइल फोन में जितना भी एप्स होगा ना, सभी आ जाएगा। अब दोस्तों सभी ऐप पे केवल यहाँ पे फ्री फायर को छोड़ करके सभी ऐप पे आपको क्लिक करना है एक एक बार, ठीक है। एक एक बार आपको क्लिक करना, जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको मोबाइल डेटा और वाईफाई का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इन दोनों को आपको बंद करना होगा। और यहाँ पे बैकग्राउंड डेटा का भी ऑप्शन मिलेगा, इसको भी आपको ऑफ कर देना होगा, फिर ओके करना होगा, फिर बैक आना होगा, फिर से अगेन आपको YT स्टूडियो में जाना होगा, मोबाइल डेटा वाईफाई को ऑफ करके बैकग्राउंड डेटा को भी ऑफ कर देना होगा। दोस्तों इसी प्रकार से सभी भी यहाँ पे जितनी भी एप्स है ना, सभी में आपको जो मोबाइल डेटा वाईफाई और बैकग्राउंड डेटा को बंद कर देना है। केवल यहाँ पे आपको फ्री फायर को ऐसा नहीं करना, यानी कि फ्री फायर में आपको मोबाइल डेटा वाईफाई बैकग्राउंड डेटा सभी ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों नंबर 1 सेटिंग तो आपने जान लिया। अब दोस्तों आपको सेकेंड सेटिंग चलिए मैं बता देता हूं। तो इसके लिए भी आपको करना कुछ नहीं, आपको जाना सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहां पे आपको सिंपली सर्च करना होगा लोकेशन। अब जैसे यहां पे लोकेशन सर्च करेंगे ना, तो यहां पे दोस्तों सबसे फर्स्ट पे जो ऑप्शन आएगा लोकेशन का, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहां पे लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों जैसे आप लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहां पे दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिल जाता है स्कैनिंग का। दोस्तों बता दूं, अगर आपका अदर कंपनी का मोबाइल फोन होगा ना, तो यहां पे इंप्रूव एक्यूरेसी का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पे क्लिक करना होगा। अब उस पे जैसे यहां पे क्लिक करेंगे ना, तो यहां पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलेगा, वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग। दोस्तों बता दूं, बाय डिफॉल्ट जो मोबाइल फोन में दोनों सेटिंग होती है ना ऑन होती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग पे आपको क्लिक करके इन दोनों को बंद कर देना है। यानी कि दोस्तों वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग दोनों ऑप्शन को आपको बंद कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा दूसरा सेटिंग, चलिए मैं आपको तीसरा सेटिंग बता देता हूं। तो इसके लिए आपको करना है क्या, फिर से आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको सिंपली अबाउट फोन में जाना है। अब अबाउट फोन में जाने के बाद दोस्तों यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, या MIUI वर्जन या बिल्ड नंबर मिलेगा या फिर सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पे 7 बार क्लिक करना है। जैसे 7 बार क्लिक करेंगे ना, तो दोस्तों आपका जो डेवलपर ऑप्शन है इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद यहां पे दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग का। तो आपको एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, तो यहां पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है स्क्रीन पर डेवलपर ऑप्शन का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे यहां पे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। अब दोस्तों यहां पे थोड़ा सा आपको ऊपर जाना होगा, तो यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो आपको इस पे क्लिक करके यहाँ पे नो बैकग्राउंड प्रोसेस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना होगा। दोस्तों बता दूं, यहाँ पे जैसे आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस वाले सेलेक्ट पे कर देंगे ना, तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी ऐप बैकग्राउंड में डेटा यूज नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों सिंपली आप इस सेटिंग को भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऑन करने के बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं आपको जो अगला सेटिंग है उसको
उसको बता देता हूँ। दोस्तों बता दूं, अब जो हमारा मोबाइल फोन है ना, अब यहाँ पे जितना भी सेटिंग होने वाला था मैंने कर दिया, लेकिन अब हमको करना क्या है, जो सेटिंग मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों बता दूं, सेटिंग तो नहीं है, कुछ टिप्स हैं, इनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। दोस्तों जब हम लोग अपने फ्री फायर ऐप को ओपन करके उसे प्ले कर देना है, तो जो हमारा मोबाइल फोन है बहुत ज्यादा हीट होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा हीट होता है, तो इसके वजह से जो हमारा पिंग है ना तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो हमको करना क्या है, हमको अपने मोबाइल फोन के हीटिंग को कम करने के लिए सिंपली आप दोस्तों जब भी अपने मोबाइल से फ्री फायर गेम को खेलते हैं ना, तो इस जो बैक कवर है इसे रिमूव कर दिया कीजिए। दोस्तों बता दूं ऐसा क्यों करना चाहिए, दोस्तों ये जो बैक कवर होता है ना, आपको पता होगा ये प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो प्लास्टिक है ना, ये बैड कंडक्टर है हीट का। तो दोस्तों यहां से अगर हमारे मोबाइल फोन हीट होता है ना, तो जो इसकी हीट होती है इसे बाहर नहीं जा पाती है, तो इसके वजह से दोस्तों हमारा जो मोबाइल फोन है ना बहुत ज्यादा हीट होते रहता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मोबाइल फोन होता है ना डाउन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको बैक कवर को निकाल कर यहाँ पे फ्री फायर को खेलना चाहिए। दोस्तों अगर ज्यादा आपका मोबाइल फोन हीट होता है ना, तो दोस्तों आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है मोबाइल हीट हो रहा है तो क्या करें, देखो टेक हिंदी, आपको उस वीडियो में सोल्यूशन मैंने बता रखा है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, जो अगर आप यहाँ पे दोस्तों अगर मोबाइल डेटा के यूजर हैं, अगर दोस्तों आप फ्री फायर को खेलते अपने मोबाइल डेटा से, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छी सेटिंग मैं लेकर आया हूँ। तो इसके लिए आपको जाना सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका दोस्तों जो भी सिम होगा इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बोल्ट इनेबल्ड का, यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे, तो आपको सिंपली बोल्ट इनेबल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और बोल्ट इनेबल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप फ्री फायर को खेलते ना, तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जो गेम है चलेगी। अब दोस्तों बता दूं, अगर यहाँ पे आप वाईफाई के यूजर हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, दोस्तों सिंपली आपको जब भी आप अपना यहाँ पे फ्री फायर गेम खेलते हैं ना, तो सिंपली आपको अपना मोबाइल फोन को एरोप्लेन मोड में डाल देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपने वाईफाई को कनेक्ट करा लेना होगा। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा मोबाइल फोन एरोप्लेन मोड में है, उसके बावजूद भी यहाँ पे दोस्तों जो मेरा वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आपने एरोप्लेन मोड को ऑन करके भी आप यहाँ पे खेलिए पबजी फ्री फायर, तो दोस्तों अच्छा खासा यहाँ पे चलेगा, जो पिंग प्रॉब्लम बहुत काफी हद तक यहाँ पे डाउन हो जाएगा। अब दोस्तों बता दूं, अगर यहाँ पे आप अगर मोबाइल डेटा को यूज करते हैं या फिर दोस्तों आप वाईफाई को यूज करते हैं ना, तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को मैं एक सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं, तो दोनों यूजर के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों आप जब भी अपने फ्री फायर या पबजी को जब खेलते हैं ना, तो आपको करना क्या होगा, दोस्तों यहाँ पे आपको जाना होगा, दोस्तों यहाँ पे जितनी भी एप्स होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी एप्स यहाँ पे बैकग्राउंड में ओपन होती है, तो दोस्तों इन सभी को ऑफ करके उसके बाद आप फ्री फायर या पबजी को खेला कीजिए, दोस्तों आपका जो पिंग है ना काफी हद तक बहुत ज्यादा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और जाते जाते एक टिप्स मैं और बताना चाहूंगा, दोस्तों आपके मोबाइल फोन ना, जैसे मेरा मोबाइल फोन बहुत ज्यादा ओल्ड है, तो दोस्तों ये 2216 है, हो सकता है आपका 4/64 या कुछ 2/28 करके होगा, लेकिन आपको करना क्या है, आपके अपने मोबाइल फोन में थोड़ा स्टोरेज बना के रखना। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे मोबाइल फोन में स्टोरेज ना होने के कारण भी हमारा जो मोबाइल फोन है ना हीट होता है, इसके वजह से दोस्तों जो हमारा पिंग है बहुत ज्यादा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।